पाक फास्ट बोलर्स की हो रही जमकर तारीफ, पूर्व इंडियन दिग्गज मोहम्मद कैफ है इससे पूरी तरह वाकिफ। T20 वर्ल्ड कप के लिए फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट को बताया घातक, विरोधियों के लिए बोलिंग होगी आफत। पाक स्पिन डिपार्टमेंट पर लेकिन उठाए सवाल, कहा T20 वर्ल्ड कप में नहीं मचा पाएंगे धमाल। फटाफट क्रिकेट का महाकुंभ यानी ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 1 जून से शुरू होगा। इसमें शिरकत कर रही सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां भी जमकर चल रही हैं। कई टीमों ने तो अपने अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। टीम इंडिया ने भी T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। लेकिन अंदाज़ा तो सहज ही लगाया जा सकता है कि इस बार पाक टीम का स्क्वाड कैसा रहने वाला है। कमोबेश वही खिलाड़ी ग्रीन आर्मी का हिस्सा होंगे जो कीवी टीम के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा थे, और अभी पाक टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। उसमें भी ज्यादातर वही प्लेयर शामिल हैं। ये तो साफ है कि पाकिस्तान की इस बार फास्ट बॉलिंग अटैक घातक होने वाली है। यहां तक कि कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी यह साफ कहा है कि वहीं टीम इंडिया के पूर्व प्लेयर मोहम्मद कैफ ने भी पाक फास्ट बॉलिंग अटैक की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट में घातक बताया है, साथ ही ग्रीन आर्मी की मजबूती और कमजोरी को भी उजागर किया है। एक चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद कैफ ने कहा, पाकिस्तान टीम की ताकत उसकी फास्ट बॉलिंग में है। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी जैसे फास्ट बॉलर हैं, वहीं नसीम शाह भी फिट है। पिछले वनडे वर्ल्ड कप में नसीम शाह पाक टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी कमी पाकिस्तानी टीम ने खूब महसूस की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नसीम एक शानदार बॉलर है। मेरे हिसाब से पाक टीम की फास्ट बॉलिंग USA की उछाल भरी पिच पर काफ़ी खतरनाक परफॉर्मेंस देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रीन आर्मी अपनी फास्ट बॉलिंग के दम पर विरोधियों को तहस नहस करने का मादा रखती है। अब तो उनकी टीम में मोहम्मद आमिर भी शुमार हो गए हैं जो इस फास्ट बॉलिंग लाइनअप को और भी धार देते हैं। लेकिन टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज कैफ ने पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट पर जरूर सवाल खड़े किए हैं। कैफ का मानना है कि यहाँ ग्रीन आर्मी कमजोर दिख रही है। कैफ ने पाक स्पिन डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े करते हुए कहा, पाकिस्तानी टीम की कमजोरी उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है। शादाब खान गेंद को लाइन पर नहीं ला रहे हैं और मोहम्मद नवाज की गेंद ज्यादा टर्न नहीं लेती है, इसीलिए उनकी स्पिन गेंदबाजी कमजोर दिख रही है। इसके अलावा मोहम्मद कैफ ने पाक टीम की बैटिंग लाइनअप पर भी अपनी चिंता जाहिर की। उनका मानना है कि मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए ये बैटिंग लाइनअप आसानी से प्रेशर में आ जाती है। कैफ ने कहा, पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट के साथ ही उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट भी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आता। यहां तक कि 180 का टारगेट चेस करते हुए पाक बल्लेबाज खुद पर प्रेशर ले लेते हैं और बिखर जाते हैं। अगर उनकी गेंदबाजी नहीं चली तो फिर पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप की राह आसान नहीं होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजी बिखर जाती है। जब टारगेट थोड़ा मुश्किल होता है तो सबसे पहले पाक किंग बाबर आजम अपने हाथ खड़े कर देते हैं, फिर तो बाकी के खिलाड़ी मुश्किल से ही लड़ पाते हैं। ऐसे में अगर पाक टीम को T20 वर्ल्ड कप के खिताब का सपना देखना है तो उन्हें रन चेस करते हुए प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा, क्योंकि हर बार कुदरत का निजाम उनके साथ नहीं होगा। वैसे मोहम्मद कैफ ने जो बातें पाकिस्तान टीम के लिए कही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि मोहम्मद कैफ ने T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम के लिए जो सलाह दी है वो बहुत कीमती सलाह है, और अगर इस सलाह को पाकिस्तानी टीम मान ले तो वो मजबूत कॉम्पिटिटर बन सकती है भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में? ज़रूर अपनी राय, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।